देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के किसानों से हर हाल में 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा धान खरीदी, यह कहा मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम बिटकुली में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, जहां अपना यह वायदा फिर दोहराया कि किसानों का धान हर हाल में 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। इसके लिए कोई हमें सहयोग करे अथवा न करे, लेकिन हम किसानों से किया हुआ वायदा जरूर निभाएंगे और प्रति क्विंटल 2500 के हिसाब से खरीदी करते हुए किसानों की जेब में इतना रुपए डालेंगे। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के गौरव छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, महापुरुषों के तैल चित्र का पूजन कर आज के इस 74वां वार्षिक राज अधिवेशन और मुनिराज व पंडित पुष्प अंत 11 विमोचन का आगाज करेंगे, शुभारंभ की अनुमति प्रदान करेंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार सिरमौर जी पूजन में सहभागी बने, अर्जुन राज से राज प्रधान आदरणीय श्री भुवनेश्वर वर्मा जी। जो उससे कह देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार हमारे चाउर ल खरीदे चाहे मत खरीदे, हम किसान के खाता में उसके जेब में 2500 रुपये देबो। श्री बघेल ने किसानों और ग्रामीणों की मांग पर सुहेला उप तहसील का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने बिटकुली के पूर्व माध्यमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुलस चौरे के नाम करने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज बिटकुली में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के अंतर्गत अर्जुनी राज के 74वें सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार सिरमौर ने की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कुर्मी समाज की वैवाहिक पत्रिका पंडित पुष्प के 11वें अंक का विमोचन भी किया। सामाजिक उन्नति के लिए इस प्रकार का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें शैक्षणिक बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की प्रकार से लाया जाए, स्वावलंबन के आगे बनाया जाए, सारी बातों के हिसाब से कुर्मी समाज के लिए छोटा सा संदेश कुर्मी समाज के लिए। कुर्मी समाज अग्रणी समाज रहा है, जागृत समाज है, और जब जब छत्तीसगढ़ में राजनीति की शून्यता आई है, समाज ने आगे बढ़कर रास्ता बताने के काम किया। आज़ादी की लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ निर्माण में भी समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम वो मना थोड़ी कर रहे हैं, जैसे कोयला ले रहे हैं, जैसे बॉक्साइट ले रहे हैं, जैसे आयरन ओर ले रहे हैं, हमारे चावल भी ले भाई, अगर नहीं मानते तो क्या कोयला बंद हो जाएगा। हम अभी भी आशावादी हैं, हम लोग हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार हमारे चावल खरीदेगी। सर राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, पूर्व विधायक श्री जनकराम वर्मा एवं श्रीमती लक्ष्मी बघेल, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती शारदा वर्मा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सीमा वर्मा, अर्जुनी राज कुर्मी समाज के अध्यक्ष श्री भुवनेश्वर वर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। KSN 24 न्यूज के लिए बलौदाबाजार से मुकेश कुर्रे की रिपोर्ट।